अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक के करके देखना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, लेट का अभी तक आपने इस्तेमाल सीखा होगा या जाना होगा तो इस तरह से, मुझे जाने दो, उसे आने दो, उन लोगों को खेलने दो, बच्चों को अंदर आने दो, इस तरह के सेंटेंसेस का आपने इंग्लिश अनुवाद सीखा होगा। लेट से बनाने वाले जो सेंटेंसेस लेट से बनते हैं, ओके फ्रेंड्स। बट आज मैं आपको वैसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो टेंस से आते हैं या बेसिक इंग्लिश से आते हैं या सिंपल इंग्लिश से आते हैं। जैसे वह मुझे जाने देता है, वह मुझे नहीं जाने देता है, उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, वे लोग मुझे फिल्म नहीं देखने देंगे, इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाते हैं लेट लगाकर, ओके फ्रेंड्स। सो आज हम यही सीखेंगे, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं, इन सेंटेंसेस को हम एक एक करके बनाते हुए सीखेंगे और बनाते हुए अगर सीखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला यही है कि जो टेंस है या जिस टेंस से भी हम या बेसिक टेंस सिंपल सेंटेंसेस ले रहे हैं या टेंस के सेंटेंसेस ले रहे हैं, जो उस टेंस का नियम है वही नियम लागू होगा, बट इसमें लेट को एज अ मेन वर्ब माना जाता है, ओके फ्रेंड्स। सो वह मुझे नहीं आने देता है, ये किस टेंस का हो गया? आने देता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का हो गया, तो रूल्स प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के ही रहेंगे बट इसमें मेन वर्ब लेट होगा, ओके फ्रेंड्स। जैसे वह मुझे नहीं आने देता है तो ही डजंट लेट मी कम, ओके फ्रेंड्स। फॉर्मूला जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो रूल्स है बनाने के, वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के ही लागू होंगे, बट लेट को एज अ मेन वर्ब मानकर हम यहाँ पर इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। दूसरा सेंटेंस है, उसने मुझे नहीं आने दिया, ये हो गया पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का जो रूल्स है सब्जेक्ट प्लस V2, तो इसमें भी वही इस्तेमाल होगा, उसने मुझे नहीं आने दिया। चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए इसमें डिड लगेगा और डिड लगेगा तो V2 का इस्तेमाल नहीं होगा, ही डिड नॉट लेट मी कम, ओके फ्रेंड्स। हम इसके बाद इन सारे सेंटेंसेस को बताने के बाद और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम आपके प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाए। तीसरा है, वह मुझे नहीं आने देगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जैसा कि आपको पता है कि शैल और विल लगाकर बनाते हैं, जो रूल्स है इसका वही हम रखेंगे नियम, बाकी लेट लगा देंगे एज अ मेन वर्ब। तो वह मुझे नहीं आने देगा, ही विल नॉट लेट मी कम, या शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलेंगे हम तो ही वोंट लेट मी कम। राजू मुझे फिल्म नहीं देखने दे रहा है, राजू मुझे फिल्म नहीं देखने दे रहा है, कौन सा टेंस हो गया? दिस इज फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके फ्रेंड्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स आपको पता है, इज आर एम प्लस वर्ब के साथ ING। तो राजू इज नॉट लेटिंग मी वॉच मूवी, ये ध्यान रखना है आपको कि लेट को एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो राजू इज नॉट लेटिंग मी वॉच मूवी, राजू मुझे फिल्म नहीं देखने दे रहा था, दिस इज सेंटेंस फ्रॉम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स वॉज वर्ब प्लस वी में ING। तो राजू वॉज नॉट लेटिंग मी वॉच मूवी, उसने राहुल को नहीं जाने दिया है, दिस इज फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल्स है वही हम लगाएंगे इसमें, हैज हैव प्लस V3, ओके फ्रेंड्स। और V3 यहाँ पर वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब एज अ लेट, ओके फ्रेंड्स। ऐसे सेंटेंस में हम मेन वर्ब लेट को मानकर चल रहे हैं, इसीलिए हम लेट के साथ ही छेड़खानी करेंगे, किसी दूसरे वर्ब के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे, ओके फ्रेंड्स। उसने राहुल को नहीं जाने दिया है, ही हैज नॉट लेटेड राहुल गो,
यहां पर हम गोन नहीं लिखेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो ही हैज नॉट लेट इट राहुल गोन, उसने राहुल को नहीं जाने दिया था. पास्ट परफेक्ट टेंस, हैज की जगह सिर्फ हैड लगा देंगे. तो ही हैड नॉट लेट इट राहुल गो. ओके फ्रेंड्स, तुम्हें उसे खेलने नहीं देना चाहिए, तुम्हें उसे खेलने नहीं देना चाहिए. ये हो गया बेसिक सेंटेंस. बेसिक से ये सिंपल सेंटेंस हो गया, सिंपल टेंस का सेंटेंस. तो चाहिए वाले में आपको जैसे पता होगा कि शुड और मस्ट लगाकर बनाते हैं, जिसमें वर्ब के बाद चाहिए आए, देना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, इस तरह का जैसे सजेशन वाली कोई बात हम करते हैं. जिस सेंटेंसेस से भी सजेशन दर्शाया जाता है वैसे सेंटेंसेस को हम शुड या मस्ट से बनाते हैं. तो इसमें देना आ रहा है, यानी कि अनुमति वाली बात कही जा रही है. इसलिए तुम्हें उसे खेलने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम प्ले. मैं उसे जाने नहीं दे सकता, मतलब कैन वाला, आई कैन नॉट लेट हिम गो. ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक बात जानना और भी ज़रूरी है कि आपको ये लग रहा होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस को हम लेट लगा कर बनाएंगे. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस सेंटेंसेस में हम अनुमति लेने या देने की बात करते हैं वैसे सेंटेंसेस को हम लेट लगा कर बनाते हैं. ओके फ्रेंड्स, उसे मत आने दो, उसे मत जाने दो, उन लोगों को मत खेलने दो, ये तो हो गए. लेट हिम कम, डोंट लेट हिम कम, लेट हिम कम इन, डोंट लेट हिम कम इन, डोंट लेट देम प्ले, उनको मत खेलने दो, इस तरह के सेंटेंसेज में लेट लगते हैं. ओके फ्रेंड्स, और इस तरह के सेंटेंसेज जब टेंस वाले सेंटेंसेज होंगे तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि उसको हम लेट से बनाते हैं. तो इसमें आने देता है, आने दिया, आने देगा, देखने दे रहा है, देखने दे रहा था, जाने दिया. समझ में आ रहा आपको? इसमें वर्ब के बाद जो वर्ब आता है ना, वर्ब के बाद दिया, देता, देना, इस तरह का वर्ड्स जरूर आएगा. यानी कि जाने दिया, जाने दे रहा है, जाने देता है, जाने देगा, मतलब देगा वाला शब्द आएगा. देगा, देती है, देता है, देंगे, देता था, दे रहा है, इस तरह से. लेकिन ये देना, देता, देगा, ये जो है इसके पहले कोई वर्ब होना चाहिए. जैसे वह मुझे नहीं आने देता है, तो आना ये वर्ब हो गया, उसके बाद देता है. ओके, अगर हम बोलेंगे वह मुझे नहीं देता है तो इसको आप लेट से मत बना देना, उसमें डायरेक्ट होगा ही डजंट गिव मी. जब वर्ब वर्ब आएगा और वर्ब में ने देता है, ने दे रहा है, ने दिया, ने देगा, इस तरीके से आएगा, तो ही उस सेंटेंस को हम लेट लगा कर बनाएंगे. ओके फ्रेंड्स, तो हम अभी करते हैं कुछ प्रैक्टिस. मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो. मेरे पिताजी मुझे फिल्म नहीं देखने देंगे, माई फादर विल नॉट लेट मी वॉच मूवी. क्या तुम उसे आने दे सकते हो, कैन यू लेट हिम कम. मैं उन बच्चों को मैदान में नहीं खेलने दूंगा, आई विल नॉट लेट दोज चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड. मेरे पिताजी तुम्हें क्यों जाने दिया, वाई डिड माई फादर लेट यू गो. वह तुम्हें खाना क्यों नहीं खाने दे रहा है, वाई इज ही नॉट लेटिंग यू ईट फूड. क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ने देता है, डज ही नॉट लेट यू रीड. आपको उसे इंग्लिश सीखने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम लर्न इंग्लिश. तुम उसे पढ़ने दे सकते हो, यू कैन लेट हिम स्टडी. मैं तुम्हें वहाँ क्यों जाने दूँ, वाई डू आई लेट हिम गो देयर. उसने तुम्हें क्यों नहीं आने दिया, वाई डिड ही नॉट लेट यू कम. ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेट सिर्फ एक ही दो तरह के सेंटेंसेज में नहीं लगाए जाते, बल्कि किसी भी सेंटेंस में आ सकता है लेट का इस्तेमाल, अगर उस सेंटेंस में वर्ब के बाद
ने देता है, ने देगा, ने दिया, ने दे रहा है, इस तरह से हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लेट से बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और आप अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे मुफ्त में इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।